हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर प्रोफेशन में हम लोग आर्किटेक्चर की फीस जो रहती है वो किस तरह से कोट करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीन इजी वे बताऊंगा जिससे आप अपनी आर्किटेक्चर फीस अपने क्लाइंट को आप कोट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो आर्किटेक्चर और सिविल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज आप तक आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी हम लोग अगर फीस कोट कर रहे हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी आप फीस कोट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो मार्केट का नॉलेज आपको रहना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से जो दूसरा आर्किटेक्ट है वो किस तरह से अपनी फीस कोट करते हैं। और आपको ऐसा भी नहीं है कि अगर सपोज आप फीस आप कोट कर रहे हो तो मार्केट से बहुत ज़्यादा लो रहे या बहुत ज़्यादा हायर है, तो इसलिए आपको सबसे पहले मार्केट की स्टडी करना है कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो फीस जनरली चार्ज की जाती है वो किस लेवल पे। अब बेसिकली हमारे प्रोफेशन में फीस का ऐसा एग्जैक्टली कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सब लोग अपने जो कन्वीनियंस रहते हैं, जैसे अगर सपोज कोई अगर जूनियर पर्सन है तो उसका जो फीस ऑब्वियसली एक सीनियर पर्सन के कंपेयर में कम रहेगा। अगर कोई एक अच्छे मीडियम प्रैक्टिस में जो पर्सन है जिनके 6 साल 10 साल प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुके तो उनका फीस स्ट्रक्चर जो कोट करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, और सीनियर आर्किटेक्ट का एक फीस का कोट करने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे काफ़ी सारे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आप किस सिटी में बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बाकी जो आर्किटेक्ट है या फिर बाकी जो सिविल इंजीनियर है वो लोग अपनी फीस किस तरह से कोट करते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास अभी फिलहाल में एक्सपीरियंस कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब चीज़ों को कुछ हद तक वैरी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा और उस स्टडी के अकॉर्डिंग फिर आपको आपकी फ़ीस कोट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली मैं मेरे जो प्रैक्टिस में जो तीन तरीके मैं यूज़ करता हूँ उन तीन तरीकों को मैं आपको इसमें बताऊँगा, जो कि नॉमिनली बाकी सारे लोग भी यूज़ करते हैं बट उनका जो यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा मे बी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा एक परसेंटेज बेसिस जिसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहती है उसके एक पर्टिकुलर 4-5% तक हम लोग आर्किटेक्चर फीस उसमें कोट करते हैं। दूसरा जो तरीका रहता है वो रहता है स्क्वायर फीट बेसिस का, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आपने जैसे आपने एक स्क्वायर फीट एरिया आपने बना के रखा हुआ है कि आप इतने कंसल्टेशन फीस के लिए आप इतना चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल बिल्टअप एरिया आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग हमारे डायरेक्टली फीस हम बना सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो हमारा लमसम बेसिस में, तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम लोग डायरेक्टली जैसे आपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने समझ ली है कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक टेंटेटिव एक मोटा मोटी अमाउंट लमसम अमाउंट बता के आपने आपका जो फीस है वो आपने उनको कोट कर दिया। तो बेसिकली तीन तरीके रहते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा अभी आपको इलेबोरेट करके बताऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा ईजी होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दोस्तों परसेंटेज बेसिस की, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे प्रैक्टिस में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अगर आप सपोज कोई भी आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हैं तो उसमें आर्किटेक्चर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें लगने वाली जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको सिविल वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मटेरियल लग रहा है सैंड सीमेंट एग्रीगेट एंड स्टील, ये प्लस इसको लगने वाली लेबर रेट, इन दोनों की आपको कॉस्टिंग निकालनी है। तो टेंटेटिवली आपकी जो कॉस्टिंग निकलेंगी उसका 4% या 5% तक आपकी आर्किटेक्चर फीस हो सकती है। ये वैरी करता है, डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर में आपके पास कितना क्लाइंट बेस है और आपके पास जो क्लाइंट बेस है वो उतना अफोर्डेबल है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फीस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बट मार्केट जो है वहाँ पे 4-5% तक फीस यहाँ पे कोट की जाती है, बट जब भी आप परसेंट बेसिस पे अगर आप फीस कोट कर रहे तो आपको दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली टेंटेटिव कॉस्ट कितना जा सकता है, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल वगैरह जो रहते हैं वो क्लाइंट ला के देते हैं तो वो आपको बताया प्रॉपरली बता रहा है या नहीं बता रहा है कि उसे इतना इतना कॉस्ट लग रहा है करके, तो आपका आपके साइड से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको एस्टिमेटिंग काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, तो उस केस में आप किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट आप निकाल पाएंगे। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक टेंटेटिव जो अमाउंट लग सकता है वहाँ पे जनरली जो भी आप अमाउंट निकालोगे, ऐसा श्योर नहीं कि वो 100% आपने जितना बताया उतना ही जाए, वो हो सकता है वो कुछ ज़्यादा जाए या वो कुछ कम भी जा सकता है, बट एक अगर टेंटेटिव अमाउंट आ जाता है तो आप आपकी एग्जैक्टली जो फीस है वो आप पता कर सकते हैं।
या फिर आप क्लाइंट के साथ पहले डिस्कस करके कि फाइनल में जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस निकलेंगी, वो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप पता है कि आप आपकी फीस को फाइनलाइज कर सकते हैं। बट ये मुझे कुछ कुछ केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा क्लाइंट की मेंटेलिटी अलग रहती है। वो अगर सपोज लास्ट में ऐसा होता है कि सर प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी नहीं जा रही, इससे कम जा रही है, तो उस केस में आपके साथ उनके साथ बार्गेनिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बार्गेनिंग और नेगोशिएशन उस केस में काफ़ी सारे होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको बचने के लिए आपको आपके प्रोफेशन को उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो परसेंट बेसिस ये एक तरीका है जिसमें काफ़ी सारे लोग आर्किटेक्ट जो है वो अपने फीस कोट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा स्क्वायर फीट बेसिस का। तो ये मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है। क्योंकि कैसे इसमें आपने जैसे आपने आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन ड्राइंग आपने बना लिया, और उस प्रेजेंटेशन ड्राइंग में आपको डायरेक्टली एरिया मिल जाता है कि आप एग्जैक्टली इतना बिल्टअप एरिया आपका आ रहा है करके, सुपर बिल्टअप। तो आप डायरेक्टली आप उसे आपने जो अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने फीस बना के रखी, तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है जो मुझे लगता है आई थिंक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो भी अपनी जो फीस कोड चार्ज करते हैं वो डायरेक्टली स्लैब एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें आपने जैसे अगर आपको आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके स्क्वायर स्लैब एरिया कितने आना है, क्योंकि ऑन साइट आपको दिखेगा वो चीज़, तो ये मेरे ख्याल से सबसे ईजी वे है। अब मार्केट में आपको इसके लिए थोड़ा टैली करना पड़ेगा कि मार्केट में फीस रेट कितना जा रहा है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो 4% फीस अगर सपोज मैं कोट कर रहा हूँ, तो मुझे उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कराना है। तो आपको इसका सबसे इजीएस्ट वे कि आप क्या करिए, 1,000 स्क्वायर फीट का एक कंस्ट्रक्शन कंसिडर करिए, और उसके पीछे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने जाने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग 4% के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है। अब यही चीज़ आपको इधर भी करनी है। अब 4% के हिसाब से आपको जो अमाउंट आ जाती है ना, उसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर लीजिए, तो जो भी आपको आएगा वो स्क्वायर फीट का आपको डायरेक्टली उसमें क्वांटिटी मिल सकता है। तो अब बेसिकली जैसा मैं नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट वाइज, बट हम लोग 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक, डिपेंड करता है जो आप ड्राइंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये स्क्वायर फीट चार्जेस आप अपने ले सकते हैं। बट इन सब चीज़ों में आपके ऑलमोस्ट सारी की सारी जो कंसल्टेंसी है वो इंक्लूड रहेंगी इसमें। बेसिकली हम लोग अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट अगर चार्ज कर रहे हैं स्क्वायर फीट, अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट का अगर आप कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में आपकी 50,000 की आपकी फीस बनती है, जिसमें आपके प्रेजेंटेशन ड्राइंग, आपके 3D ड्राइंग, आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग्स और आपकी वर्किंग ड्राइंग्स के साथ साथ आपकी साइट विजिट इंक्लूड है। अब इसी तरह से जितनी ज़्यादा स्लैब रहेंगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका आपके फीस स्ट्रक्चर है वो आपका इंक्रीज होते रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, बट ये मेरे ख्याल से अगर सपोज आपका 1,000 स्क्वायर फीट का अगर बिल्टअप एरिया, तो आई थिंक वो आपको उतना सूटेबल नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको उसमें फीस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो आप 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 70 रुपये स्क्वायर फीट तक आप कर सकते हैं, बट आप देखिए कि आपके लोकेलिटी में एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर किस तरह से कोट किया जा रहा है करके। तो ये दूसरा स्क्वायर फीट बेसिस वाला एक तरीका है। तीसरा जो तरीका है वो है हमारा लमसम बेसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली उनको अमाउंट बता सकते हैं कि सर आपको आपकी ये सर्विस के लिए आपकी इतनी इतनी फीस है करके। तो ये भी एक तरीका रहता है बट इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग को उनको एक फिक्स अमाउंट बता देते कि 1 लाख 2 लाख या 3 लाख जो भी फीस लग रहा है, तो काफ़ी बार क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसमें बार्गेनिंग के भी चांसेस थोड़े रहते हैं। तो इस केस में आपको पता है कि आपको पहले से आपको देखना है कि आपका क्लाइंट का नेचर किस तरह से, और उसके अकॉर्डिंग फिर पता है कि आइटम वाइज भी आप उनको उसमें आपकी जो फीस स्ट्रक्चर वो आप कोट कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे आपने ड्राइंग का एक अलग से दे दिया, और आप अगर जो साइट विजिट आप दे रहे हैं उसको आप अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो उस वे में भी आप कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार जो बिल्डर्स वगैरह के साथ हम लोग जो डील करते हैं, तो बिल्डर वगैरह के साथ जो फीस कोट करने का तरीका है वो आई मे बी कुछ कुछ केसेस में पर फ्लैट के हिसाब से भी किया जाता है। कि जैसे अगर सपोज एक बिल्डर है, वो अगर 8 8 फ्लैट की अगर एक स्कीम बना रहा है, तो आप उसको पर फ्लैट के हिसाब से भी फीस कोट कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली नागपुर में कुछ कुछ जो आर्किटेक्ट है वो 25,000 से लेके 40,000 पर फ्लैट के हिसाब से भी फीस कोट करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें कैसा होगा कि अगर आप सपोज इस केस में अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे, तो अमाउंट हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाए। अगर आप परसेंट वाइज भी करेंगे तो काफ़ी सारे अमाउंट में वेरिएशन आ सकता है। और ये जो तरीका है पर फ्लैट के हिसाब से, वो भी एक अच्छा तरीका है, जो अगर आप सपोज किसी बिल्डर के साथ आप कर रहे हैं तो वो आपको काम में आएगा। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट हाउस में ओनर के साथ अगर आप ये कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे अमाउंट कितना जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है, बट इसमें भी आपको ये याद रखना कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको सबसे पहले समझ लीजिए कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना जा रहा है। मार्केट में बाकी जो आर्किटेक्ट है या फिर जो सिविल इंजीनियर, वो कितना फीस कोट कर रहे हैं,
तो उसको आपको स्टडी करके फिर आपको आपका कोटेशन आपको बनाना है। तो ये एक तरीका है, ये तीनों तरीके आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं और कॉमनली यही तरीके सारे जगह पे यूज़ हो रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप टर्नकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फीस कोट करने का तरीका है वो तो थोड़ा सा अलग है। मैंने बेसिकली इस वीडियो में आपको ट्राई किया है कि अगर आप सपोज कोई कंसल्टेशन में काम कर रहे हैं तो उस केस में आप किस तरह से फीस कोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, क्या पॉइंट अच्छे नहीं लगे, और अगर आपके कोई भी सजेशंस होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं फ्यूचर में उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।